तो आज फिर से हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है एपिजियोटॉमी क्या होता है, एपिजियोटॉमी, ठीक है ना। इसी को हम लोग मूलाधारी जो है छेदन कहते हैं, ठीक है। इसके उद्देश्य, संकेत, प्रकार, प्रक्रिया, देखभाल, जटिलता सब बताना है। तो इतना आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, जैसे कहेगा कि एपिजियोटॉमी क्या होता है, इसके प्रकार बताएं, ठीक है, इसका नर्सिंग देखभाल बताएं तथा इसका इंडेक्शन बताएं, संकेत बताएं, इतना पूछेगा 10 नंबर में, ठीक है ना। पूछने के लिए इसमें से कोई भी 2-3 पूछ सकता है एपिजियोटॉमी के साथ। तो आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है मिडवाइफरी गायनकोलॉजी का। चलिए हम देखते हैं। देखिए एपिजियोटॉमी जो होता है, यह प्रसर्व की द्वितीय अवस्था के समय, ठीक है ना, पश्चयोनि भित्ति मतलब पोस्टेरियर वैजिनल वाल्व, मतलब वैजिना के जो निचला जो पीछे वाला भित्ति होता है उस पर एक चीरा लगाया जाता है, और इसी चीरा जो लगाया जाता है उसे हम लोग एपिजियोटॉमी अथवा पेरियोनोटॉमी कहते हैं। पेरियोनोटॉमी क्यों कहते हैं, तो पेरिनियोटॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरिनियम क्षेत्र में यह चीरा लगता है, इसीलिए इसे पेरिनियोटॉमी कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, इसका उद्देश्य होता है कि शिशु जन्म के समय निकासी द्वार को चौड़ा विस्तारित करना, ठीक है, विस्तारित करना होता है ताकि जन्म की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अब आपके सामने मैं बता दूं कि ये जो हम पढ़े हैं इसको फिगर में समझ लीजिए। फिगर क्या कहता है माय डियर, ये आपका एक प्रकार से एक फीमेल का ऑर्गेन है, ठीक है, फीमेल का जिनेटियल ऑर्गेन है। मानिए यह वाला भाग जो है योनि का है, ठीक है, वैजिना का है। अब इसमें से बच्चा जो है क्या हो रहा है, निकलता है, ठीक है, ये बच्चा निकलने का मुंह है। लेकिन मान गए बच्चा का सबसे पहले क्या निकलता है, हेड ही निकलता है, सर निकलता है। तो मान गए अगर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चा कंडीशन बहुत बढ़िया है, और किसी फीमेल का मान गए यह द्वार जो है बच्चे के निकलने के लिए कम पड़ रहा है, तो ऐसे में जो प्रसर्व होगा, जो लेबर होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत कठिनाई वाला होगा, ठीक है। तो इसका जटिलता माँ को या बच्चे को किसी को हो सकता है, समझ गए। मान गए, ठीक है, मान गए कोई पाइप इतना पतला है, ठीक है, इतना मोटा है, ठीक है ना, हम इससे पानी इसके कैपेसिटी के हिसाब से ही निकालेंगे, पूरा फुल कर देंगे फिर भी निकाल देगा पानी को, लेकिन हम इसमें फुल से भी ज़्यादा किसी चीज़ को समाने का प्रयास इसमें करेंगे तो क्या यह आगे जो है जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो उसी प्रकार से मान गए किसी किसी का होता यह है, किसी किसी के फीमेल में, कि मान गए जिस जो उसका जिनेटियल ऑर्गेन है, जो उसका जननांग है, जहाँ से बच्चा जो है जन्म लेता है, वह भाग जो है, वह द्वार जो है कम पड़ जाता है बच्चे को निकलने के लिए, जिससे होता यह है कि बच्चा जो है बहुत दिक्कत के सामना करने लगता है बाहर निकलने के लिए, और बाहर जो है नहीं निकल पाता है। यह द्वितीय अवस्था में होता है, क्योंकि बच्चा का जो सिर का जो निकासी होता है द्वितीय अवस्था में ही होता है, आप लोग पढ़े हैं। तो जब तक सिर बाहर नहीं आएगा तब तक बच्चा का जन्म कैसे संभव है। तो जब प्रसर्व बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे, बच्चा का सर बाहर ना आए, महिला को बहुत ज़्यादा जो है पेनफुल हो, तो फिर जो है क्या किया जाता है, इसी वैजिना के नीचे एक चीरा लगाया जाता है इसी क्षेत्र में, ठीक है ना। अब इसी क्षेत्र में चीरा लगाकर ये जो द्वार होता है, इस द्वार को फैला दिया जाता है, विस्तारित कर दिया जाता है, चौड़ा कर दिया जाता है, जिससे जो बच्चा सकस गया है, मतलब एक मानिए कि सकसना मतलब जाम होना, जो मुंह पर आकर अटक गया है, वह चीरा लगाने के बाद जगह मिल जाता है और बच्चा फिर जो है आराम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यह मानिए एनस है, मल द्वार है, ठीक है, और एनस के ऊपर जो है क्या है आपका, इतना दूर का जो क्षेत्र होता है पेरिनियम क्षेत्र जिसको बोलते हैं, इसी पेरिनियम क्षेत्र में जो है आपका यह चीरा लगता है। अब देख सकते हैं यह चीरा या तो बीचे बीच भी लग सकता है, ठीक है ना, यह क्षेत्र जो है या तो बीचे बीच लगेगा या फिर यह कुछ एंगल घुमा कर लगेगा, जिसे ओब्लिक जो है हम लोग बोलते हैं, तिरछा। तो यह जो है 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, ठीक है ना, बीच मध्य वाले यह कोण से ऐसे भी एंगल पर चीरा लगा जा सकता है या सीधा भी लग सकता है, ठीक है ना। तो इसी चीरा लगाने को हम लोग एपिजियोटॉमी कहते हैं या फिर पेरिनियोटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यह पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, वैजिना का है, ठीक है। यह बच्चा का यहाँ से हेड बाहर आता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो यह हेड ऑफ बेबी है, ओके। उसके बाद यह जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र में जो चीरा लगता है, यह चीरा जो है हो सकता है तिरछा, ऐसे भी लगा दिया जाए, ऐसे भी लगा दिया जाए, ठीक है ना। तो यह क्षेत्र जो है पॉसिबिलिटी होता है एपिजियोटॉमी एंगल का, इतना एंगल पर लेकर 90 से लेकर, मतलब सीधा सीधा से लेकर, इतना एंगल पर पॉसिबिलिटी होती है एपिजियोटॉमी की, ठीक है।
और यह आपका एनस है, एनस के ऊपर से लेकर ठीक है ना, ये जो वैजिना है इसके नीचे वाला जो भाग होता है ये जो है पोस्टेरियट वाल इसको बोलते हैं। इस पोस्टेरियट वाल में ही जो है वैजिना के पोस्टेरियट वाल में जो है चीरा लगाना ही एपिजियोटॉमी कहलाता है, ठीक है, जिससे प्रसर्व होना आसान व सुगम हो जाता है। और यह कब होता है, तो जब प्रसर्व लेने में द्वितीय अवस्था में बहुत ज़्यादा दिक्कत की कठिनाई हो और बच्चा जो है बाहर ना आ पा रहा हो, तो उस कंडीशन में वैजिना के निचले वाले भाग यानी पोस्टेरियट वाल में एक चीरा लगाया जाता है और यह चीरा जो है एपिजियोटॉमी कहलाता है, जिससे बच्चा जब चीरा लगाने के बाद यह फैल जाता है दोनों साइड से, तो बच्चा आराम से बाहर आ जाता है। ठीक है, हो गया, समझ गए। अब इसका आखिर यह सर्जरी करने का क्या जो है मकसद होता है, इसका क्या जो है उपयोग होता है, ठीक है, उद्देश्य इसका क्या होता है, किस उद्देश्य के साथ यह चीरा लगाया जाता है। तो माय डियर, शिशु की निकासी के लिए योनि छिद्र के आकार को बड़ा करना होता है, इसका उद्देश्य यही होता है कि शिशु का निकासी, ठीक है, बच्चे के निकलने के लिए उसको जो है योनि छिद्र को बड़ा किया जाता है, नीचे एक चीरा लगाकर बड़ा कर दिया जाता है जिससे बच्चा आराम से निकासी हो सके, इस उद्देश्य से यह किया जाता है, पेरिनियल क्षेत्र की मांसपेशियों में क्षति होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो पेरिनियल क्षेत्र है, इस पेरिनियल क्षेत्र की जो मांसपेशी है इसमें क्षति होने से बचाने के लिए। अब कैसे क्षति हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान गए बच्चा महिला का जो है यूट्रस जोर लगाएगा, ठीक है, जोर लगाएगा, बच्चा जो है ये मुंह पे आ चुका होगा और ऐसे में बच्चा को अगर जगह नहीं मिलेगा, छोटा जगह पड़ेगा और बच्चा जो है निकलने में दिक्कत होगा और जो यूट्रस है चूँकि उसमें कंट्रैक्शन तो होते रहेगा, तो कंट्रैक्शन होने से दवाल पर ये जो मांसपेशी होगा पेरिनियम क्षेत्र का, इस पर ही धक्का देगा, बच्चा बाहर आने के लिए जोर लगाएगा, स्त्री भी जोर लगाती है, तो ऐसे में जोर लगाने से हो सकता है यह फट सकता है, ठीक है, क्योंकि पेरिनियम क्षेत्र का जो स्किन होता है पतला होता है, ठीक है। तो मान गए बच्चा अंदर बाहर आने के लिए धक्का जोर लगाएगा, तो जोर लगाएगा, मान गए आप यहाँ पे चीरा नहीं लगाएंगे, तो बच्चा अगर प्रेस कस के बच्चा पर लगेगा, बच्चा बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा कि यह जो पेरिनियम क्षेत्र का मांसपेशी है इसमें जो है दिक्कत आ सकता है फटने से, ठीक है। तो क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पहले ही चीरा लगा दिया जाता है, प्रसर्व को अवधि को कम करने के लिए। अगर मान गए बच्चा, अगर आप जो है महिला को कहेंगे जोर लगाइए, बच्चा को जो है नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, जो है महिला करेगी लेकिन फिर भी जो है बच्चा नहीं निकल रहा है, तो इस कारण से जो है उसके क्या होगा, प्रसर्व में बहुत लंबा समय लग सकता है, तो इस अवधि को कम करने के लिए भी जो है पहले ही चीरा लगा देता है, तो बच्चा आराम से बाहर आ जाता है जगह फैली हो जाने से, ठीक है। तो यही हमारा इसका उद्देश्य होता है मेनली, तो मेनली तीन ही उद्देश्य है, छिद्र को बड़ा करना जिससे बच्चा आराम से निकल जाए, पेरिनियल क्षेत्र को मांसपेशी को कोई डैमेज होने से बचाने के लिए, प्रसर्व को अवधि को कम करने के लिए यह जो है किया जाता है, यह चीरा लगाया जाता है, ठीक है। संकेत इंडिक्शन देख लीजिए, इंडिक्शन मतलब संकेत, संकेत का मतलब होता है प्रथम प्रसर्व, प्रीमिग्रीविडा, प्रीमिग्राविडा, ठीक है ना, प्राइमिग्राविडा, ठीक है ना, जो कहिए आप, प्रीमेगिविडा कहिए या प्राइमिग्राविडा कहिए, ठीक है, इसको प्रथम प्रसर्व बोला जाता है, प्रीमेग्रीविडा को प्रथम प्रसर्व बोला जाता है, ठीक है। कोई स्त्री अगर प्रथम बार बच्चे को जन्म दे रही है तो उसे प्रथम प्रसर्व ही बोला जाता है, उसे प्रीमेग्रीविडा बोलते हैं, और खासकर जो प्रथम बार बच्चे को जन्म दे रही होती है उसको यह प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो प्रीमिग्रीविडा स्त्री के मूलाधार का कठोर, नॉन इलास्टिक होना, ठीक है, मूलाधार का कठोर होना जो शिशु को नीचे खिसकने से रोकता है, यह एपिजियोटॉमी का प्रमुख संकेत है। माय डियर, मान गए कोई कोई जो है कोई फीमेल है और वह नए नए जो है अभी प्रथम बार ही बच्चे को जो है जन्म दे रही है, उसका वह जो है प्रथम गर्भ अवस्था है, तो ऐसे में वह प्रथम बार बच्चे को जन्म दे रही है तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, उससे पहले उसका कोई बच्चा नहीं जो है हुआ है, तो जो जिस रास्ते से बच्चा आता है उस रास्ते में चूँकि उसका जो पेरिनियम क्षेत्र होता है मूलाधार वाला, जो अभी ऊपर बताए हैं एनस से ऊपर और वैजिना से नीचे वाला जो दोनों के बीच में जो क्षेत्र है वह पेरिनियम क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो उसका जो कठोर होने के कारण, चूँकि वह प्रथम बार प्रसर्व के पीरियड में है, कंडीशन में है, प्रथम बार जन्म दे रही है बच्चे को, तो वह कठोर रहता है, ठीक है,
वह कठोर रहता है, उससे पहले कुछ हुआ नहीं है, तो वह कठोर होने से बच्चे को जो है बाहर निकलने से, नीचे खिसकने से रोकता है, वह वाला क्षेत्र प्रीनियम क्षेत्र, तो उस पर रोकता है, इसलिए वहाँ पे एक चीरा लगा देते हैं जिससे वह क्षेत्र बड़ा हो जाता है, मुँह बड़ा हो जाता है वजीना का और बच्चा आराम से निकल जाता है। और यह जो है एपिजियोटोमी का, ठीक है ना, प्रमुख संकेत होता है, जहाँ पे प्रथम बार प्रसर्व होता है प्रीमिग्रीविटा में, यह एपिजियोटोमी प्रमुख रूप से किया जाता है, तो यह प्रथम संकेत होता है, ठीक है, और यह प्रमुख भी होता है, क्योंकि उसका मूलाधार पेरिनियम नॉन इलास्टिक होता है, यानी कठोर होने के कारण इलास्टिक होगा तो आराम से फैल जाएगा और बच्चा निकल जाएगा, लेकिन कठोर हो रहता है, नॉन इलास्टिक रहता है वो, इसीलिए उस पर चीरा लगाया जाता है, ठीक है। माँ अथवा शिशु को कष्ट से बचाना अर्थात द्वितीय अवस्था की अवधि को कम करना। अब इसका जो है संकेत यह भी होता है इंडक्शन, इंडक्शन के मतलब होता है संकेत, संकेत का मतलब है कि एपिजियोटोमी कहाँ करने का जो है संकेत देता है कि किस कंडीशन में एपिजियोटोमी किया जाएगा, और वही कंडीशन संकेत होता है, ठीक है। तो माँ तथा शिशु को कष्ट से अगर बचाना है, द्वितीय अवस्था की अवधि को कम करना है, यानी जल्दी प्रसर्व करवा लेना है, तो क्या करना होगा, एपिजियोटोमी एक अच्छा और एक संकेत वाला जो है यह होता है, ठीक है। किसी असमान प्रसर्व ब्रीच लेवर की स्थिति में, कोई अगर असमान प्रसर्व हो, मतलब प्रसर्व होने में कोई दिक्कत हो, असमान हो, सामान्य न हो, तो उस कंडीशन में भी यह किया जा सकता है। तो कुछ खास इसका संकेत है नहीं, आप लोगों को मैं बता दिया कि नॉन इलास्टिक यानी प्री मिग्रीविटा वाले में किया जा सकता है और प्रमुख संकेत होता है। माँ और बच्चे को कष्ट से अर्थात सेकेंड जो स्टेज है उसको अवधि को कम करने के लिए, और किसी असमान प्रसर्व में भी यह किया जाता है। समझ गए चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब माय डियर इसका प्रकार, अब हमको प्रकार के बारे में भी बताना है कि एपिजियोटोमी के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से चीरा लगाते हैं। तो एपिजियोटोमी का चीरा निम्न प्रकार से लगाया जाता है, मुख्यतः दो प्रकार से यह जो है चीरा लगाया जाता है, ठीक है। पहला है मेडियन, मेडियन के मतलब होता है मध्य, ठीक है। तो इसमें चीरा जो है मध्य रेखा पर लगाया जाता है, मैंने अभी ऊपर बताया कि क्रॉस वाला जो देखे हैं उससे नीचा एनस के जो बीच वाला जो क्षेत्र है इस पर लगेगा, या जो जो बीचला यहाँ पे 50 डिग्री ऊपर में दिया गया था उस वाले एंगल पर लगेगा, नहीं तो इस एंगल पर लगेगा। यह ऑब्लिक होता है तिरछा, और यह सीधी मध्य रेखा के बीच में। तो एक चीरा या तो यहाँ से यहाँ इस पर लग सकता है, या तो एक सीधा चीरा लगेगा, यही दो चीरा होता है, ठीक है। मीडियन एपिजियोटोमी, इसमें चीरा मध्य रेखा मीडियन लाइन पर लगाया जाता है, जो कि मीडियन लाइन ऊपर अभी देखे हैं, ठीक है। दूसरा है मेडियो लेटरल एपिजियोटोमी, मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी का मतलब क्या होता है देख लीजिए, इस चीरों को मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार की सर्जरी में चीरा जो है मध्य रेखा पर लगाना प्रारंभ करते हैं, फिर इसे मलाशय से दूर पार्श्व की ओर और फिर नीचे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। मतलब ए वाला जो चीरा होता है, इंसीजन होता है, यह शुरू तो करते हैं मध्य से ही, मिडिल पॉइंट से ही, वजीना के नीचे वाला जो बाल है उसको मिडिल पॉइंट से ही शुरू करते हैं, लेकिन मध्य रेखा पर लगाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन फिर जो है मलाशय से दूर, मतलब जैसे यहाँ मलाशय है और यहाँ जो है मध्य पॉइंट है वजीना का, यहाँ से लगाना प्रारंभ करते हैं और मलाशय से दूर, मतलब इससे दूर इधर जो है लाते हैं, ठीक है, इससे दूर जो है ऐसे जो है परसर्व की ओर जो है इसे हम लोग नीचे की तरफ चीरा लगाते हुए लाते हैं। मतलब सीधा कहिए कि मलाशय से दूर मिडिल पॉइंट से शुरू करते हैं और मलाशय से दूर जो है तिरछी जो है हम लोग इसको चीरा लगाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। तो यही हमारा मेडियो, ठीक है ना, यही हमारा मेडियो लेटरल एपिजियोटोमी है। लेटरल के मतलब ये होता है पार्श्व, ठीक है। तो मेडियो लेटरल एपिजियोटोमी यही दो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप फिगर में और भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख लीजिए, ए हो जाएगा अगर इस मिडिल पॉइंट से, यह एनस है, देख सकते हैं यह एनस है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट अगर बीच में लगा देगा तो ये हो जाएगा मीडियन, लेकिन इस मिडिल पॉइंट से प्रारंभ करेगा, शुरू करेगा, ठीक है, लेकिन यह इस एनस से दूर, इससे दूर इधर, ठीक है, और नीचे की तरफ, मिडिल पॉइंट से नीचे की तरफ मलाशय से दूर तिरछा जो है चीरा लगाना ही आपका मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी कहलाता है, ओके। चलिए
ये हो गया, सब चीज़ बता दिए, यही दो प्रकार से होता है, याद रखिएगा। अब हम इसका प्रक्रिया देखेंगे कि प्रोसेस इसका कैसे होता है, चूँकि यह एक सर्जिकल चीरा लगाना मतलब क्या, सर्जिकल प्रोसेस, तो यह एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। तो इसको जो है कैसे, किन किन प्रोसेस के तहत जो है यह चीरा लगाया जाएगा, चलिए हम इसको देखते हैं। तो प्रोसीड्यूर है, प्रक्रिया है, एपिजियोटॉमी को निम्न चरणों में पूरा किया जाता है। एपिजियोटॉमी जो होता है इसको निम्न स्टेप में आपको पूरा किया जाता है। कौन कौन से स्टेप है चलिए देख लीजिए। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है, प्रक्रिया है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रेनियम के फूली हुई त्वचा, मतलब प्रेनियम, चूँकि आप लोग देखे हैं, मैं बता दिया, बार बार फिगर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेनियम जो फूल जाता है, जो मतलब जो वजीना के नीचे वाला जो जगह है और एनस के जो ऊपर वाला जगह है, मतलब दोनों के बीच में, तो वह क्षेत्र फूल जाता है, फूलने से त्वचा जो है पतली हो जाती है। पतली होने से होता यह है कि उसका जो पेरेनियल क्षेत्र होता है उसे हम लोग एंटीसेप्टिक घोल के सहायता से विष संक्रमित करते हैं, ठीक है। उसको क्या करेंगे, पहले चीरा लगाने से सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ करते हैं। और यह कॉमन बातें हैं, कोई भी चीज़ों को प्रोसीड्यूर करने से पहले उसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, एपिजियोटॉमी करने से पूर्व रोगी को लोकल एनेस्थेसिया 1 पॉइंट का जाइलोकॉन या लिंगोकेन 10 ml त्वचा पर उपयोग की जाती है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एनेस्थेसिया में जाइलोकेन होता है, लिंगोकेन होता है, यह जेल होता है। जेल को क्या किया जाता है कि जहां भी आपको कोई काम सुन्नपन उत्पन्न करना है वहां पे लगा देने से वहां का जो सेंसिटिविटी है वह समाप्त हो जाता है, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा अगर वहां पे कुछ भी किया जाए तो वहाँ पर एंटीसेप्टिक घोल से साफ़ करने के बाद लोकल एनेस्थेसिया अप्लाई करते हैं, जैसे जाइलोकॉन और लिंगोकेन, ठीक है, सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़े हैं। तीसरा है, इसके बाद योनि में 2 उंगलियों को प्रवेश कराया जाता है तथा एपिजियोटॉमी वाले स्थान के दोनों तरफ सुई को, ठीक है ना, सुई को पेशियों में 4 से 5 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करके एनेस्थेसिया का इनफिल्ट्रेशन किया जाता है। लोकल एनेस्थेसिया का प्रभाव 3 से 5-4 मिनट हो जाता है। अब माय डियर, जो तीसरा पॉइंट है कहता है कि योनि के अंदर 2 उंगलियों को प्रवेश कराया जाता है वजीना के अंदर, ठीक है, तथा एपिजियोटॉमी वाले स्थान के दोनों तरफ सुई को, इंजेक्शन को पेशियों में 4 से 5 सेंटीमीटर तक इंसर्ट की जाती है, ठीक है, डाला जाता है। एनेस्थेसिया का फिल्ट्रेशन किया जाता है 4 से 5 सेंटीमीटर तक यह डालकर। अब फिल्ट्रेशन करने से होता यह है कि जो एनेस्थेसिया का प्रभाव होता है वह 3 से 4 मिनट में जो है यह प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है कि प्रभाव को कम करने के लिए यह जो है किया जाता है, ठीक है, कम करने या बढ़ाने के लिए। चौथा है, एपिजियोटॉमी में चीरा लगाने के लिए विशेष एपिजियोटॉमी सीजर का उपयोग किया जाता है। अब पर्सनली एपिजियोटॉमी करने के लिए इसका एक अलग से सीजर आता है, कैंची जिसको बोलते हैं, तो वह पर्सनली एपिजियोटॉमी करने के, चीरा लगाने के लिए ही जो है सीजर वह उपयोग किया जाता है, चौथा पॉइंट, ठीक है। पांचवा है, कैंची को वजीना भित्ति, मतलब वजीनल वाल्व, ठीक है ना, योनि भित्ति के ऊपर रखा जाता है। वह चीरा जो है तीव्र गर्भाशय संकुचनों के मध्य लगाया जाता है, चूँकि संकुचन के मध्य पेरिनियल ऊतक खींचे हुए होते हैं। माय डियर, पांचवा ये कह रहा है कि ये जो चीरा लगाया जाता है कैंची के द्वारा लगाया जाता है। इसमें कैंची को, चूँकि हम लोग देखे हैं कि मिडिल पॉइंट से हम लगाना शुरू करते हैं, चाहे हम बीच में लगाएं या तिरछा चीरा लगाएं, लेकिन शुरू कहाँ से करते हैं, मिडिल पॉइंट से ही। तो वहाँ से बीच से हम जो है कैंची भिराते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं यह चीरा लगाना, ठीक है। तो पाँचवा पॉइंट ये हो गया। छठा प्रोसेस में है, चीरा लगाते समय शिशु के सिर को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। चूँकि शिशु का तो प्रेशर लगेगा ही लगेगा, उस पर यूट्रस जो है, यूटेराइन जो एक्शन होगा, गर्भाशय जो संकुचन होगा, वह शिशु पर दबाव डालेगा ही डालेगा बाहर धकेलने के लिए। तो शिशु को, सिर को सुरक्षित करने के लिए एक हाथ से जो है उसे हम लोग देखते हैं और दूसरे हाथ से हम क्या करते हैं,
दूसरे हाथ से जो है हम उसके जो है क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं, ठीक है। तो उधर बच्चा के सिर को भी सुरक्षित करना है और इधर चीरा लगाना भी जरूरी है। सातवां है एपिजियोटॉमी के पश्चात शिशु के सिर व बाकी शरीर की डिलीवरी तुरंत की जाती है। अब जैसे ही चीरा लगा दिया जाए, वह चीरा मान गए सीधा लगाया गया होगा या तिरछा लगाया गया होगा, ठीक है। तो जो भी चीरा लगा हो, चीरा के तुरंत बाद जो है शिशु का डिलीवरी जो है सिर व बाकी शरीर को डिलीवरी तुरंत जो है की जाती है, ठीक है, कोई लेट नहीं किया जाता है। आठवां है यदि डिलीवरी में समय हो तो चीरे पर कॉटन पैड से प्रेशर देकर रक्त स्राव को कम किया जाता है। मान गए चीरे लगाने के बाद तो ब्लडिंग आने लगता है, अगर जल्दी से बच्चे का डिलीवरी नहीं होगा तो बहुत सारा ब्लड आ जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि अगर वह प्रेशर लेवर में समय लगने वाला हो तो कॉटन पैड के सहायता से उस पर प्रेशर दे के हम रक्त स्राव को कम करते हैं, ठीक है। तो यह हमारा आठवां पॉइंट है। नौवां पॉइंट है शिशु के तुरंत बाहर निकलते ही ब्लीडिंग पॉइंट पर जहां तेज़ी से रक्त निकल रहा हो वहां पर स्मॉल आर्टरी फॉरसेप तथा टाइट गॉज प्लग कर देते हैं। अब जहां चीरा लगाया गया हो और वहां पे जहां पे ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो, उस ब्लीडिंग पॉइंट पर तेज़ी से अगर ब्लड निकल रहा हो तो वहाँ पर आर्टरी फॉरसेप्स कर देते हैं या टाइट जो है गॉज प्लग जो है हम लोग कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग आना बंद हो जाता है, ठीक है। दसवां है माय डियर शिशु के प्रसव व आपरा निष्कासन के बाद एपिजियोटॉमी की मरम्मत अथवा टाँके लगाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि शिशु जन्म ले लिया है तो उसे टाँके लगा दिया जाता है। अगर शिशु जन्म ले लिया है तो उसे हम लोग ब्लड रोकने के लिए गॉज प्लग लगाएंगे, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। और ब्लड रुक गया है तो हम इंतज़ार करते हैं कि कब जो है अपरा का निष्कासन हो, चूँकि कंप्लीट डिलीवरी तब पूरा होता है जब अपरा प्लेसेंटा निकल जाता है बाहर, तभी जो है कंप्लीट डिलीवरी माना जाता है। तो अपरा निष्कासन में कुछ समय लगता है, तो यह निकल जाने के बाद ही एपिजियोटॉमी का मरम्मत चीरा जो लगा है उस पर टाँके लगाए जाते हैं। 11 है यदि आवश्यक हो तो टाँके लगाने से पूर्व लोकल एनेस्थेसिया दोबारा जो है दिया जा सकता है। अब मान गए समय लग गया है अपरा निकलने में, तो जो लोकल एनेस्थेसिया का प्रभाव जो 4 से 5 मिनट का था वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो उसे ज़रूरी पड़ने पर दोबारा से हम एनेस्थेसिया का इस्तेमाल जो है टाँके लगाने में कर सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर का है माय डियर देखिएगा एपिजियोटॉमी में टाँके निम्न चरणों में लगाए जाते हैं। और जब एपिजियोटॉमी हो जाता है तो उसमें जो टाँके होते हैं वह निम्न तरीके से लगाते हैं। योनि म्यूकोसा में, ठीक है, सबसे पहले वैजिनल म्यूकोसा में यह टाँका लगाया जाता है, समझ गए। उसके बाद पेरिनियल मसल्स अधस्वत्वचीय ऊतक में, मूलाधारीय मांसपेशी में, ठीक है ना, अधस्वत्वचीय में टाँका पेरिनियल मसल्स में लगाया जाता है जहाँ पे चीरा लगा हो। एगो टाँका कहाँ लगेगा, वैजिनल म्यूकोसा में ही, यानी ऊपर ही योनि के म्यूकोसा में ही लगाया जाता है। दूसरा टाँका लगाया जाएगा पेरिनियल मसल्स में जो कि वैजिनल से नीचे वाला होगा क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप से आपको जो है यह टाँका लगाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। 13 नंबर का पॉइंट है टाँकों के लिए क्रोमिक कैटगट सेचुअर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टाँके लगाने के लिए बहुत सारे सेचुअर्स अलग अलग होते हैं जिसको हम लोग धागे बोलते हैं सेचुअर्स को, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्रोमिक कैटगट सेचुअर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सूचर्स है, ये सूचर्स होता है, समझ गए ना। 14 है एपिजियोटॉमी के लिए ऑपरेशन थिएटर में पर्याप्त रोशनी का प्रबंध होनी चाहिए, ठीक है, एपिजियोटॉमी के लिए। ये सब पहले भी लिख सकते हैं। वैजिनल को स्टरलाइज कॉटन पैड से साफ करना चाहिए, रक्तस्राव बंद होना चाहिए, वह वैजिनल होल तंग होने का निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है 16 नंबर एपिजियोटॉमी एक कुशल व प्रशिक्षित मिडवाइफ द्वारा ही किया जाना चाहिए या एक अच्छे मिडवाइफ और गायनिकोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है, प्रोसेस कोई खास नहीं है। अब मानिए किसी को हमें पेरिनियल क्षेत्र में चीरा लगाना है वैजिनल से होते हुए नीचे तक, तो उसको हम कैसे कैसे पॉइंट बाय पॉइंट किस प्रोसेस के स्टेप के बाद कौन से स्टेप करेंगे, तो उसको तो आसान है, पहले साफ़ करेंगे, ठीक है। साफ़ करने के बाद जो है उसके त्वचा जो है बहुत पतला होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर से जो है, मतलब ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको जैसे पॉइंट बाय पॉइंट बताया है वैसे ही आपको लिखना है। कहाँ तक मैं बता देता हूँ,
आपको जो है कम से कम जो है 13 पॉइंट तक एकदम लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रोसीड्यूर है, प्रक्रिया है। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच, ऐसे ही करते करते 13 तक आपको जो है एकदम लाइन बाय लाइन यहाँ पे जो दिया गया है वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि किसके बाद कौन से होगा इस प्रोसेस में उसको तो आपको लिखना ना पड़ेगा, डायरेक्ट आप साफ करने के बाद जो है डायरेक्ट उसमें टाका थोड़ी ना करने लगेंगे, तो ये चीज़ होता है। तो आपको 13 तक जो है कम से कम लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा। बाकी ये रह गई बात 14 है, 14 से, तो 14 से जो पॉइंट इधर लिखा गया है 16 तक, इस सब को चाहते हैं तो आप एक नंबर में भी लिख सकते हैं, दो नंबर और तीन नंबर करके भी इसको लिख सकते हैं, मतलब इसको सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं और सीरियल उसी अनुसार करिएगा, या 13 तक लिखने के बाद 14, 15, 16 तक इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, समझ गए। रही बात इसके देखभाल की, तो सर्जरी के बाद इसको देखभाल क्या क्या होगा। घाव की नियमित सफाई और ड्रेसिंग करनी चाहिए, रोगी को पूर्ण रूप से आराम दिलानी चाहिए, दर्द की स्थिति में 2-3 दिनों तक दर्दनाशक दवाइयां देनी चाहिए, एपिजियोटॉमी के टाँके स्वतः ही घुल जाते हैं, इन्हें कटवाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पाँचवा है संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सक जो है आदेशानुसार उचित एंटीबायोटिक देनी चाहिए, घाव को सूखा रहने के लिए सलाह देनी चाहिए, क्योंकि यह सेंसिटिविटी क्षेत्र होता है तो यहाँ पे बहुत सारा यूरिन वगैरह भी लग सकता है, तो उससे बचने के लिए सलाह देनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखनी चाहिए, उचित पोषण देनी चाहिए। तो आप अपने दिमाग से और सारे चीज़ लिख सकते हैं सर्जरी के बाद क्या क्या होता है। रही बात कॉम्प्लिकेशन की, तो अगर कोई सर्जरी करवाता है या किसी को सर्जरी होने के बाद जो है लेबर होता है, सर्व होता है, तो उसमें क्या क्या जटिलते आ सकते हैं। तो जो भलवा होता है, भग होता है, उसमें सूजन हो सकते हैं, विस्तृत चीरा लगना, मतलब जो है चीरा थोड़ा सा लगाने के चक्कर में ज़्यादा चीरा लग जा सकता है, ठीक है। भलवा के आंतरिक से ब्लीडिंग हो सकते हैं, संक्रमण हो सकते हैं, चूँकि यह जननांगी एरिया होता है और यहाँ पर गंदगी का जो है बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, तो संक्रमण होना भी यहाँ पर आम बात होता है। और मूलाधारीय फटन, एपिजियोटॉमी से मूलाधारीय फटन मतलब फट सकता है, जो कि ऊपर बताए हैं, तो यह सब एपिजियोटॉमी का कुछ जटिलता है, तो इसको आप लोग दिमाग में डाल लीजिएगा कि एपिजियोटॉमी करने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंग्लिश टोटल कंप्लीट दिए गए हैं, आप इसको इंग्लिश को अच्छे से देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 से 4 पेज में आपका आराम से चला जाएगा, तो 10 नंबर आराम से मिलता भी है इसका। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।